यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अच्छा साइन 1 कब होता है, पाई बाई 2 पे, सो दैट मीन्स ये वैल्यू क्यों, इस वैल्यू को क्या होना पड़ेगा, पाई बाई 2। सो देखिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारी पाई बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 1/5, 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 हो जाएगा, पाई बाई 2। ओके, अब हम क्या करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/5, 1/5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। ओके, अच्छा एक आइडेंटिटी हम जानते हैं, आइडेंटिटी क्या जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल होता है हमारा पाई बाई 2 के। ओके, तो इसका यूज करेंगे तो हमारा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के, सो साइन इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1/5 हमारा इक्वल आ गया साइन इनवर्स एक्स के, सो दैट मीन्स एक्स क्या आ जाएगा हमारा, एक्स आ जाएगा हमारा 1/5, सो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 1/5, तो यही वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी।